मेरे पास वही वाला फोल्डर है, लास्ट यूज स्टेट जो हमने पढ़ा था, उसको मैं कॉपी करके इसकी एक नई कॉपी बना लेता हूँ और इसका नाम मैं रख देता हूँ यूज अफेक्ट, जो कि हम आज पढ़ने जा रहे हैं। हाँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, कॉपी पेस्ट। नहीं, आप तो देखिए, वैसे बेहतर ये है कि हर जो टॉपिक है, हम हर टॉपिक जो पढ़ते हैं उसमें कोशिश हमारी होती है कि कोई नई एग्जांपल भी करें साथ में। तो इस टॉपिक में हम मोस्ट प्रॉब्ली वेदर ऐप जो थी आप उसको क्लोन कर लेंगे उसमें, तो बेहतर ये है कि अलग ही बनाएं और उसमें नाम भी लिखते हैं कि हाँ यार आपको पता हो यार यूज स्टेट की ना ये प्रॉपर एग्जाम्पल है। अगर उसी में बनाना चाहते हैं उसमें भी बना सकते हैं। सही है, मैंने कहा यूज अफेक्ट, और यूज अफेक्ट करके मैंने ये उसी की कॉपी बना दी है। ठीक है, ये पूरा का पूरा वही कोड है। अच्छा, अभी तक हम क्या देख चुके थे कि एक खास तरह का वेरिएबल होता है जो यूज स्टेट करके हम बनाते हैं। ये रिएक्ट स्पेसिफिक चीज़ है, ये प्लेन जावास्क्रिप्ट से थोड़ी सी हट की चीज़ है, खास किस्म का वेरिएबल है। और इस खास किस्म के वेरिएबल को रीड तो नॉर्मल तरीके से किया जाता है, लेकिन इसको चेंज करने का एक थोड़ा सा मुख्तलिफ तरीका है। और इस वेरिएबल में जब कोई भी चीज़ मौजूद होती है तो स्क्रीन पे वो रियल टाइम में हमें चेंज होती हुई नज़र आती है। तो हमें जो भी डेटा स्क्रीन पे दिखाना है वो हम इस स्टेट के अंदर रखते हैं। अच्छा, अब हमने एक चीज़ और यहाँ पे इम्पोर्ट कर लेनी है, दैट इज़ कॉल्ड यूज अफेक्ट। ठीक है, अच्छा यूज़ अफेक्ट को मैं अब यहाँ पे बना भी देता हूँ। मैंने कहा यूज़ अफेक्ट, इसको मैंने कॉल किया, और कॉल करके मैंने इसको अंदर क्या पास करना है, एक फंक्शन पास करना है। ठीक है, पहले पैरामीटर में एक फंक्शन पास करना है कॉमा, और उसके बाद एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट। सही है, दिख रहा है सब लोगों को ये कैसे हो रहा है। पहले पैरामीटर में मैंने फंक्शन कॉल किया, फंक्शन बना के उसको दिया, और दूसरे पैरामीटर में ये खाली ऑब्जेक्ट दिया। ठीक है, और अब मैं इस फंक्शन का जो ब्रैकेट है वो बड़ा कर लेता हूँ। गॉट इट, ये सबको नज़र आ गया, सबको समझ आ रहा है ये कैसे हो रहा है। यूज अफेक्ट को मैंने ऊपर इम्पोर्ट किया था, बिल्कुल यूज स्टेट के पड़ोस में इसको वहीं से इम्पोर्ट हुआ जैसे यूज स्टेट इम्पोर्ट होता था। उसके बाद ऐसे ये कॉल हो गया, और कॉल करने के बाद पहला पैरामीटर इसको मैंने एक फंक्शन दिया, और दूसरा पैरामीटर इसको मैंने एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट, एक एम्प्टी एरे उसको दिया। अच्छा, ये जो एम्प्टी एरे है इसको हम डिपेंडेंसी एरे कहते हैं, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे क्या होता है। अच्छा, अभी फिलहाल हम इसको एम्प्टी एरे दे रहे हैं। अब ये जो फंक्शन है ना जो हमने इसको पास किया है, इस फंक्शन के अंदर मैं जो भी चीज़ लिखूंगा वो कब चलेगी, वो चीज़ चलेगी एक दफ़ा जब मेरा कंपोनेंट लोड होगा बस, उसके बाद वो दोबारा नहीं चलेगी। मिसाल के तौर पर मुझे पेज लोड होने पे अगर कोई एपीआई कॉल करवानी है, या डेटाबेस से डेटा लाके स्क्रीन पर रेंडर करवाना है, जो कि पेज लोड होने पे एक दफ़ा मुझे जो भी काम करवाना है वो मैं इसके अंदर किया करूँगा। ठीक है, तो मैं इस पर क्या कर लेता हूँ, कोई एपीआई कॉल कर लेता हूँ इंटरनेट से। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं क्या करना चाहता हूँ कि कराची का इस वक्त जो भी वेदर है वो लाए और स्क्रीन पर ला के दिखा दें, मैं ये चाह रहा हूँ। तो उसके लिए मुझे वो वेदर ऐप में से वो उठा लेता हूँ मैं, जो एपीआई क्या कॉल करता था ना, वेदर ऐप कहाँ गई हमारी। सो ये पुरानी हमारी वेदर ऐप थी, इसमें से जाके मैंने क्या किया, ये एक्जियोस पूरा का पूरा ऐसे ही उठा लिया मैंने, करंट वेदर वाला। ठीक है, और इसको यहाँ पे लाके मैंने पेस्ट कर दिया। सही है, अब जाहिर है ये पेस्ट तो मैंने कर दिया, लेकिन ऑफ कोर्स ये इस तरह से अभी रन नहीं होगा। पहली बात तो एग्जियोस इसमें मेरे पास इंस्टॉल नहीं है ना, यूज़ इफेक्ट के अंदर जो मैं एग्जियोस को कॉल कर रहा हूँ वो एग्जियोस अभी मेरे पास इंस्टॉल नहीं है। तो इंस्टॉल करने के लिए मुझे क्या करना होगा, पहले इस फोल्डर में आना होगा। मैं कौन से फोल्डर में मौजूद हूँ, मैं मौजूद हूँ थ्री रिएक्ट और उसके बाद यूज़ इफेक्ट। ठीक है, तो मैंने कहा सीडी थ्री रिएक्ट और सीडी थ्री यूज़ इफेक्ट। ठीक है, तो ये यूज़ इफेक्ट वाले फोल्डर में मैं आ चुका हूँ इस वक्त। यहाँ पे आके मैं बोलूँगा npm
आई एक्सियोस, पहले हम CDN से लगाते थे, अब हम इंस्टॉल करेंगे क्योंकि अब हम रिएक्ट में NPM आई कर दिया, और उसके बाद मैंने क्या करना है, NPM स्टार्ट भी इसको कर देता हूँ ताकि ये स्क्रीन पे भी मुझे चल के दिखता रहे। NPM स्टार्ट, ठीक है, तो पीछे रन हो रहा है, ऑफकोर्स वो एरर देगा मुझे क्योंकि एक्सियोस अभी भी उसको पता नहीं चल रहा है कि एक्सियोस क्या है। अच्छा, अब क्यों नहीं पता चल रहा, अब इसलिए नहीं पता चल रहा, मैंने ऊपर उसको इम्पोर्ट नहीं किया, एक्सियोस इंस्टॉल तो कर लिया, साथ साथ मुझे उसको इम्पोर्ट भी करना है, तो मैं यहाँ पे उसको इम्पोर्ट कर लेता हूँ, इम्पोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस, सही है। तो ये मैंने इसको इम्पोर्ट भी कर लिया, ठीक है। अच्छा, ये इम्पोर्ट हो गया, तो देखो एक्सियोस पे अब मुझे ये एरर नहीं दे रहा, लेकिन जाहिर है उसके नीचे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट करके मैंने जो सब कुछ करवाया है इसमें मुझे ये एरर दे रहा है, ठीक है। तो इन सबको हटा देता हूँ, जाहिर है इसमें इस तरह से नहीं डिस्प्ले होगा डेटा, इसमें डिस्प्ले करने के लिए हमें थोड़ा मुख्तलिफ काम करना होगा। वेल, हाँ, अभी ये सिटी नेम भी इसको नहीं मिल रहा, तो मैं सिटी नेम फिलहाल के लिए हटा देता हूँ, हटा के इसमें फिक्स कराची लिख देता हूँ, सही है, फिक्स कराची है, हर दफ़ा कराची का ही लाएगा जब भी होगा। अच्छा, ये मेरी API, ये जो मैंने काम किया, इतना काम ये मैंने कहाँ पे किया है, यूज़ इफेक्ट के अंदर किया है। ये कोड एक दफ़ा चलेगा जब मेरा पेज लोड होगा, उसके बाद दोबारा नहीं चलेगा इस केस में अभी। अच्छा, तो जो भी रिस्पांस आता है उस रिस्पांस को मैं कॉन्सोल डॉट लॉग पे प्रिंट करवा देता हूँ, डेटा और रिस्पांस डॉट डेटा, कि जो भी डेटा आता है API से वो यहाँ पे लाके आप क्या कर दो, प्रिंट करवा दो। अच्छा, ये मेरे क्योंकि मैंने पुरानी वाली ऐप को कॉपी किया है, तो नीचे कुछ चीज़ें डिस्प्ले हुई भी थी, वो अभी तक डिस्प्ले हुई भी आ रही है, तो मैं काम करता हूँ इन सब चीज़ों को गायब कर देता हूँ यहाँ से, ये जो पुरानी ऐप से जो सब चीज़ें आ रही थी ना उसको मैं गायब करके और यहाँ पे जस्ट एक हेलो वर्ल्ड लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे जस्ट एक हेलो वर्ल्ड है। अब मैं ज़रा इसका कॉन्सोल खोल के देखता हूँ कि कॉन्सोल खोलने पे क्लियर किया, कॉन्सोल को रिफ्रेश किया मैंने अपने पेज को, तो आप देखें ये डेटा जो है मुझे यहाँ पे ला के दे देता है। ये API एक दफ़ा कॉल हो जाती है मेरा कंपोनेंट जब लोड होता है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि क्या मैं ये काम अगर इस यूज़ इफेक्ट के बगैर करता तो क्या होता, ये भी तो एक क्वेश्चन है ना, कि अगर मैं, चलो इसका एक छोटा सा फंक्शन बना लेते हैं जिस फंक्शन को हम कॉल करेंगे। मैंने कहा भाई const get weather equals to a function, ठीक है, गेट वेदर का एक फंक्शन है, इसको पूरे को मैंने एक फंक्शन के तौर पर ट्रीट कर दिया कि भाई एक फंक्शन है, पड़ा हुआ है कहीं पे भी, कोई भी आएगा इसको कॉल कर सकता है, ठीक है, गेट वेदर का एक फंक्शन है, सही है। अब अगर मैं ये बोलूँ कि गेट वेदर, और ऐसे करके इसको मैं एक बार कॉल कर दूँ, ये कंपोनेंट के अंदर मैंने इसको डायरेक्ट कॉल किया हुआ, तो ये कॉल तो हो जाएगा, ऐसे करके देखते हैं एक बार, एक दफ़ा रिफ्रेश किया मैंने, कॉल हो गया, ये कॉल ये जब भी हो गया, लेकिन मसला अभी इसमें ये है कि ये कॉल तो हो गया, लेकिन जब जब मेरा कंपोनेंट रीरेंडर होगा ना, ये दोबारा कॉल हो जाएगा, सही है। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक काउंटर बना हुआ था, काउंटर को वापस ले आते हैं, जो लास्ट वाली क्लास से काउंटर हमारे पास एक बना हुआ था, इस काउंटर को मैं वापस लेकर आ गया, अरे ये तो नॉर्मल वेरिएबल वाला वापस आया, स्टेट वाला भी लाते हैं, तो मैंने यूज इफेक्ट से हटा दिया उसको, और यूज इफेक्ट से हटा के मैंने क्या कर दिया, मैंने कहा भाई कंपोनेंट जैसे ही शुरू हो रहा है ना वहां पे करो उसको, गेट वेदर का एक फंक्शन है उसको मैंने कॉल करवा दिया, ठीक है, यूज इफेक्ट को अभी रोक देते हैं फिलहाल, मिसाल के तौर पर, ठीक है, ये मैंने रोक दिया उसको। अच्छा, अभी मेरे पास ना एक ये भी है, एक मेरे पास क्या है, एक ये स्टेट भी बनी हुई है जिसमें प्लस माइनस करता हूँ, काउंटर करता हूँ,
अच्छा अब देखो हो रहा क्या है, एक बार प्लस का बटन दबाया दोबारा कॉल हो गया, प्लस का बटन दबाया दोबारा कॉल हो गया, क्योंकि स्टेट जब चेंज होती है हमारे पास तो हमारा कंपोनेंट री रेंडर होता है, कि हम लास्ट क्लास में अच्छे से डिस्कस कर चुके थे कि हमारा जब भी क्या होगा अस्सलाम वालेकुम मतलब क्या है। हमारी जब भी स्टेट चेंज होती है तो हमारा जो कंपोनेंट है उसको दोबारा से रेंडर किया जाता है। तो दोबारा से रेंडर होने की सूरत में क्या होता है कि फंक्शन जो पूरा होता है ना स्टेट का, वो फंक्शन दोबारा से चलता है, यानी ये हाई का जो फंक्शन है ये दोबारा चलेगा। अब ये फंक्शन जब दोबारा चलेगा ना तो इसके अंदर जितना भी कोड है वो दोबारा से रन किया जाएगा, तो वो फिर बार बार चलता रहेगा, वो मसला हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ और ये काम मैं यूज़ इफेक्ट के अंदर करवाता हूँ। अच्छा, यूज़ इफेक्ट के अंदर जैसे ही मैं इसको भेज दूंगा ना तो फिर उसको समझ में आने शुरू हो जाएगा कि अच्छा यार ये शुरू में चलाना है इसको, बाद में नहीं चलाना है इसको। अच्छा, अब मैंने यूज़ इफेक्ट के अंदर कर दिया और यहाँ पे से आके मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो एक बार वो ये डेटा आ गया, लेकिन अब जब मैं प्लस दबाता हूँ तो दोबारा से वो नहीं हिट होगा, वो एक दफ़ा हिट हो गया उसको पता चल गया। ठीक है, प्लस 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 माइनस माइनस कर रहा हूँ कुछ भी नहीं हो रहा, इसको बिल्कुल सेट चल रही है। ठीक है, तो इसमें किसी का कोई क्वेश्चन यहाँ तक? अच्छा, ये कोड मैं पुश कर रहा हूँ अभी, सही है, ये कोड पुश हो गया। ये कोड देख के अभी आप लोगों को वेदर एप्लीकेशन बनानी है इसी के ऊपर। ठीक है, अच्छा वेदर एप्लीकेशन में क्या क्या होगा, एक तो यहाँ पे यूआई में आपके टेक्स्ट बॉक्स होगा। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर आपको टेक्स्ट बॉक्स से डेटा उठाना आ गया भाई, सही है कि इनपुट होगा, इनपुट के अंदर आपने कोई भी चीज़ अगर लिखी है तो उसके ऑन चेंज पे आप क्या करते हैं, उठा के उसको स्टेट में रखवा देते हैं। ये बता चुका हूँ ना मैं, ये नहीं बताया मैंने, ये भी बता देता हूँ, ये भी बता देता हूँ यार, काउंटर इसमें से हटा दें या इसमें रहने दें? काउंटर को रहने देते हैं ना, इसके नीचे एक फॉर्म बना लेते हैं। इसके नीचे मैंने एचआर बना दिया यहाँ पे, और एचआर करके ना मैंने कह दिया वेदर ऐप, सही है, और वेदर ऐप को मैंने किस में डाल दिया, H1 में डाल देते हैं मे बी। ठीक है, हमारे पास कुछ इस तरह से दिख रही है यार, ये स्टेट वेरिएबल अलग हो गया ऊपर और वेदर ऐप उसके नीचे है ना, एक लाइन डाल के उसके बाद मैंने वेदर ऐप बनाया। इसके अंदर मैंने फॉर्म बना दिया, फॉर्म के अंदर हम क्या लिखेंगे, ऑन सबमिट। ठीक है, और ऑन सबमिट में मैंने बोला गेट सबमिट हैंडल। ठीक है, कोई भी नाम रख सकते हैं आप फंक्शन का। अच्छा, इसमें एक चीज़ देखें और कीजिएगा, ऑन सबमिट के ऊपर जो मैंने फंक्शन का नाम पास किया सिर्फ, इसको मैंने कॉल नहीं किया जैसे HTML में करते थे, राइट। इसके अंदर मुझे क्या चाहिए, अगर इनपुट बॉक्स चाहिए, इनपुट बॉक्स की टाइप जो है वो टेक्स्ट होगी। प्लेस होल्डर मैं इसमें लगा देता हूँ, एंटर योर सिटी नेम, सही है, और एंटर योर सिटी नेम के बाद इसमें क्या लगा देता हूँ मैं, अब इसमें जो भी टेक्स्ट बॉक्स में लिखा जा रहा है ना वो मुझे कहाँ पे चाहिए, वो मुझे स्टेट वेरिएबल में चाहिए, सही है। हमने इससे पहले रिएक्ट में इनपुट नहीं उठाया टेक्स्ट बॉक्स से, चलो अभी उठा लेते हैं, कोई मसला नहीं। तो सबमिट हैंडलर के नाम का एक फंक्शन मुझे ऊपर चाहिए, ठीक है, सबमिट हैंडलर के नाम का एक फंक्शन मुझे ऊपर ये बना दिया मैंने। मैंने कहा कौन सबमिट हैंडलर इक्वल्स टू और दिस हो गया, सही है। अच्छा, उसके अलावा एक स्टेट भी बना लेता हूँ मैं, स्टेट का नाम क्या रख देता हूँ मैं, सिटी नेम रख देता हूँ फिलहाल के लिए। ठीक है, और इसके बाद यहाँ कहता हूँ मैं सेट सिटी नेम, सही है। बाय डिफॉल्ट इसमें क्या होगा, एम्प्टी स्ट्रिंग होगा जो मुझे दिखाना है उसके ऊपर। ठीक है, तो सिटी नेम के नाम से मैंने स्टेट वेरिएबल बना लिया और मैंने बोला कि इस इनपुट के ऊपर क्या कर दो, ऑन चेंज। ऑन चेंज कब चलता है, जब भी एक बटन आप ऐसे प्रेस करते हैं ना उसमें, यानी क्लिक करके उस टेक्स्ट बॉक्स में जब भी एक बटन पर प्रेस करते हैं तो ऑन चेंज एक दफ़ा चल जाता है, फिर दूसरा बटन करते हैं, जैसे आपने लिखा ना कराची, तो कराची में जितने कैरेक्टर हैं उतनी बार ये चलता है। अच्छा, इसमें मैंने क्या किया, एक फंक्शन दे दिया इसको भी मैंने, ठीक है, ऑन चेंज पे एक फंक्शन दे दिया मैंने।
अच्छा इस फंक्शन के अंदर मैंने क्या बोला, मैंने कहा कि सेट सिटी नेम, ऊपर से सिटी नेम सेट करवा रहा हूँ। अच्छा जब जाहिर है ये मुझे ऑन क्लिक, वो जब ऑन चेन चलता है तो उसमें मुझे इवेंट भी मिलता है, सही है, इसमें मुझे क्या मिलता है, इवेंट मिलता है, ई करके मिलता है। अच्छा मतलब इवेंट का मतलब है कि जो ऑन चेंज हुआ है ना तो वो चेंज का एक इवेंट होता है कि अभी क्या कैरेक्टर प्रेस हुआ है और उस कौन सा कैरेक्टर प्रेस हुआ है और अभी पूरे टेक्स्ट बॉक्स में क्या हो गया वो भी मुझे मिलता है। तो जो पूरे टेक्स्ट बॉक्स की जो वैल्यू है ना वो मुझे कहाँ मिलती है, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। अगर ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू को मैं कंसोल कराऊँ ना तो वो क्या उसमें शो होता है, जो अभी तक टेक्स्ट बॉक्स में लिखा जा चुका है वो शो होता है। मैंने कहा भाई जो भी अभी तक टेक्स्ट बॉक्स में लिखा जा चुका है सिटी नेम में उसको जाके सेट करवा दो, ठीक हो गया। अब सिटी नेम में जब ये सेट करवाना शुरू करवा दिया मैंने तो अब मैं जो भी कुछ टाइप करूंगा यहाँ पे वो सिटी नेम बाय डिफॉल्ट होगा। अब मुझे गेट एलिमेंट बाय आईडी करने की जरूरत नहीं है, एट एनी गिवन टाइम मेरे टेक्स्ट बॉक्स में जो लिखा होगा वही मेरे स्टेट वेरिएबल में भी होगा, ठीक है। तो मुझे गेट एलिमेंट बाय आईडी करने की जरूरत नहीं है, अब मुझे वेरिएबल में वो मिल रहा होगा, बाय डिफॉल्ट मिल रहा होगा। अच्छा अब इसमें एक बटन बना देते हैं, ठीक है, सबमिट का बटन। ठीक है मैंने एक बटन बना दिया जिसमें लिख दिया मैंने टाइप इसकी क्या है, सबमिट है, ठीक है। टाइप सबमिट ना भी लिखूं तो अगर मेरे फॉर्म में एक ही बटन है ना तो बाय डिफॉल्ट उसको समझता है वो ये सबमिट का बटन है। तो मैंने टाइप सबमिट यहाँ पे लिख दिया है, लेकिन नहीं भी लिखता तो वो उसको फिर भी सबमिट समझ लेगा। तो मेरे पास भाई इस वक्त ये फॉर्म है, ठीक है, उसके अंदर ऑन सबमिट लगा हुआ है, सबमिट हैंडलर मैंने ऊपर बनाया हुआ है। उसके बाद एक इनपुट लगा हुआ है जिसपे ऑन चेंज है, ऑन चेंज में इसका डेटा उठा के मैं स्टेट वेरिएबल में रखवाता हूँ, बटन है उसके ऊपर टाइप सबमिट है। अच्छा अब जब ये सबमिट हैंडलर जब चलेगा, यानी सबमिट होने पे जो फंक्शन चलता है जब वो चलेगा, तो जाहिर है मेरा पेज क्या होगा, रिफ्रेश होगा। प्लेन एचटीएमएल के अंदर तो मैं वो रिटर्न फॉल्स लगाता था, तो अब इसके अंदर भी मुझे कुछ ना कुछ ऐसी जुगाड़ करनी पड़ेगी। तो इसमें भी मुझे इवेंट मिलता है, सबमिट जब होता है फॉर्म तो उसका जो फंक्शन है जब ऑन सबमिट चलता है तो उसमें मुझे इवेंट मिलता है। तो इसमें मैं क्या करूँगा, इवेंट डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट ऐसे में चला दूंगा, सही है। अब अगर मैंने स्पेलिंग सही लिखी है तो वो फिर काम करेगा, अदरवाइज वो एरर दे देगा। अभी तक जो भी कुछ लिखा है उसको जरा एक दफा रिफ्रेश करते हैं कि रिएक्ट डॉम डॉट रेंडर इज नो लॉन्गर सपोर्टेड। अच्छा वो सही है, वो वार्निंग दे रहा है। असल में हमने जो वो आर्टिकल से देख के बनाया था ना तो वो उसमें एक डॉट रेंडर है वो अभी पुराना हो गया, तो वो जब आप नई न्यू ऐप बनाएंगे ना, अभी तक तो हम किस में काम कर रहे हैं, अभी तक हम काम कर रहे हैं index.jsx में। अब अगली जो भी हम टॉपिक पढ़ेंगे ना उसमें एक हम नई ऐप बनाएंगे और फिर हम इंडेक्स में काम नहीं करेंगे, फिर हम वो जो बना हुआ होता है ना पहले से, जो उसमें एक ऑर्गेनाइजेशन होती है बनी हुई पहले से, जिसमें app.js जो है वो मेन कंपोनेंट होता है और फिर हम उसके आगे अपना कंपोनेंट खुद फोल्डर करके बना रहे होते हैं, तो फिर हम वो वैसे वाला करेंगे तो ये एरर खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये एरर इस वजह से आ रहा है जो हमने, ये हमारा स्टेट वेरिएबल है इसको मैंने छोड़ दिया है यहाँ पे, क्योंकि हमने यूज़ इफेक्ट में इसको चला के देखा था कि हाँ यार स्टेट चेंज होने पे वो दोबारा रन नहीं कर रहा था उसको, ठीक है। तो वेल मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये डेटा एक बार खुद से आ जाता है, और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं सिटी नेम में कुछ भी लिखता हूँ और लिख के गेट वेदर का बटन दबाता हूँ, तो पेज तो मेरा रिफ्रेश नहीं हो रहा है, ठीक है। गेट वेदर में और कुछ करवाया नहीं मैंने। दूसरा काम गेट वेदर में करवाता हूँ, कॉन्सोल डॉट लॉग, सही है, जो भी सिटी नेम में इस वक्त लिखा हुआ है उसको क्या कर दो, स्क्रीन पे प्रिंट करो, सही है। तो मैंने यहाँ पे लिखा कराची और गेट वेदर किया तो मुझे कराची यहाँ पे मिल रहा है, सही है। अगर मैं कोई और बात लिखूंगा तो वो मुझे मिलेगी यहाँ पे। अब मुझे क्या करना है, इस कराची जो मैंने सिटी का नाम लिखा है इसको उठा के भेजना है कहाँ पे, एक्सियोस के जरिए मुझे इसको भेजना है उधर सर्वर पे भेजना है, ठीक है। तो मैं बस यहाँ पे आके और इसमें सिटी नेम रखवा के भेज दूंगा, सही है। ये वो हमने वेदर ऐप बनाई थी, अगर किसी ने वो क्लास मिस कर दिया तो उसकी रिकॉर्डिंग है कि वेदर ऐप वो पूरा एपीआई बनी कैसे थी, एपीआई की वगैरह ये सब कुछ हुआ था, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, जो भी कुछ यहाँ पे सिटी का नाम लिखा गया था उस सिटी के नाम से भेज दिया उठा के वो। तो इसमें मैं लिख देता हूँ, अब कैनेडा लिखा मैंने और गेट वेदर का बटन दबाया,
तो फॉरन देखो कनाडा का क्या आ गया मेरे सामने, वेदर आ गया, ठीक है। नेपाल लिख के अगर मैं दबाता हूँ उसको तो फॉरन मेरे पास क्या आ गया, नेपाल का डेटा आ गया। अच्छा एक चीज मैंने नहीं किया, अगर मुझे किसी भी डेटा को स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाना है तो जाहिर है उसको मुझे स्टेट वेरिएबल में रखवाना होगा, तो मैंने उसको अभी तक स्टेट वेरिएबल में नहीं रखवाया। तो एक काम करते हैं, एक हम स्टेट वेरिएबल मजीद बना लेते हैं और इसका हम नाम रख देते हैं वेदर, ठीक है, और इसको सेट वेदर कर देते हैं। और बाय डिफॉल्ट इसको मैं क्या रख देता हूँ, एम्प्टी ऑब्जेक्ट, सही है, वेदर सेट वेदर और एम्प्टी ऑब्जेक्ट बाय डिफॉल्ट रखा है। मैंने कहा सबमिट हैंडलर से जब डेटा आएगा तो उस डेटा को आपने कहाँ रखवा देना है, सेट वेदर करके, और उसको रिस्पॉन्स डॉट डेटा को ना सेट वेदर में रखवा देना है। जाहिर है मुझे स्क्रीन पे उसको डिस्प्ले करना है तो मुझे करना तो पड़ेगा ये काम। अच्छा ये काम मैंने उस पर भी नहीं किया था ना, जो भाई ये अब अपने हाथ से करोगे तो सही हो जाएगा, जब तक अपने हाथ से नहीं करोगे ये अलग ही लगेगा तुम्हें, ठीक है। तो यूज इफेक्ट में भी, अच्छा ये यूज इफेक्ट बाय द वे ना कंप्लीट हो चुका था उसी वक्त, अभी हम इसको दोनों को अलग अलग चला के देखेंगे। ये यूज इफेक्ट मैं पढ़ा चुका था, ये फॉर्म वगैरह जो मैंने बनाया ना वो यूज इफेक्ट का पार्ट नहीं है, वो ऐसे ही अलग से, ठीक है, मतलब वो इनपुट लेना है एक्चुअली, आप सीख रहे हैं कि यूजर से इनपुट कैसे पकड़ा जाए। तो ये मेरा यूज इफेक्ट है, ठीक है, ये बिल्कुल अलग है इतना पार्ट, ये मेरा यूज इफेक्ट यहाँ से लेकिन यहाँ तक है। इसको अगर मैं रोक दूँ ना इतने को, सही है, तो क्या होगा, वो जो पेज लोड होने पे चलता था वो नहीं चलेगा, देखो पेज लोड होने पे यहाँ डेटा आता था ना वो नहीं आएगा, ठीक है, ये वाला फिर भी स्टिल चलता रहेगा। कराची लिखा मैंने, एंटर किया, देखो कराची का डेटा आ गया, ठीक है। तो ये हमने असल में दो चीज़ें पढ़ी हैं आज की क्लास में, शुरू में हमने यूज इफेक्ट पढ़ा है, तो यूज इफेक्ट का कोड ना वो इतना है जितना भी मैंने कॉमेंट किया इसको, तो ये यूज इफेक्ट सिर्फ लोड होते हुए चलाएगा और उसका और कोई काम नहीं है। अगर इसको मैं खोल दूंगा तो चलेगा, इसको मैं इतने कोड को मैं हटा दूंगा तो भाई कंपोनेंट लोड होने पे काम नहीं करेगा, दैट्स इट। सॉरी आवाज ही तुम्हारी समझ गई है, यूज अभी कर तो रहे ऐसी तो करेंगे और कैसे करेंगे। पेज लोड होने पे मैं यूज इफेक्ट के जरिए डेटा ला रहा हूँ ना भाई, जब भी फेसबुक खोलते हो, facebook.com खोलते हो तो पोस्ट सारी वो डेटाबेस से लाके स्क्रीन पे दिखा देता है ना तुम्हें, तो बस यही यूज है इसका और क्या यूज है। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो आपको पेज लोड पे करवाने होते हैं और ज्यादातर उसमें से API कॉल से मुतालिक होते हैं। ये अगर वेदर की ऐप में अगर हम बात करें, रियलिस्टिक बात करें बिल्कुल, तो वो पेज लोड होते ही क्या करेगा, आपका लोकेशन गेट करेगा, आपकी जियो लोकेशन, वो आपने पता नहीं HTML के टाइम पे किया होगा शायद सबने, तो वो लोकेशन गेट करेगा API में और रखेगा लोकेशन, भेजेगा और वेदर मंगवा के आपकी स्क्रीन पे लाके रख देगा अगर उसको मिल जाता है लोकेशन। तो रिएक्ट का कोड है, यूज इफेक्ट जो है वो रिएक्ट में, ठीक है। अच्छा तो मैंने अब क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने जो भी डेटा आया था ना वहां से उसको वेदर के नाम का एक स्टेट वेरिएबल था उसमें रखवा दिया। अब नीचे जाके ना मैं जरा इसको वेदर के नाम का जो स्टेट वेरिएबल था उसको क्या करवा देता हूँ, स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा देता हूँ, ठीक है। मैंने कहा सिटी वेदर ऑफ करके, और फिर मैंने क्या लिखा इसमें, वेदर डॉट नेम, ठीक था ना, इसी तरह आता है वेदर पे, वेदर डॉट नेम, सही है, नेम पे ये कराची आ गया, वेदर ऑफ कराची। और एक चीज मैं टेम्परेचर इसकी डिस्प्ले दे देता हूँ बस, बाकी आप लोग खुद करवाते रहिए। सिस्टम मेन, मेन डॉट टेम्प, सही, सही है। मैंने कहा मेन डॉट टेम्प, दैट्स इट। अच्छा ये असल में हुआ पता है क्या है, ये वेदर शुरू में ना एम्प्टी ऑब्जेक्ट है तो जाहिर है डॉट नेम उसको मिल ही नहीं रहा, और डॉट मेन डॉट ये कर रहा हूँ तो फिर तो पागल ही हो जा रहा है बिल्कुल। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, नलिश ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, कि भाई अगर नहीं है ना तो डिस्प्ले नहीं कर पाए। अच्छा नलिश ऑपरेटर का इस्तेमाल करने में भी एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम पता है क्या है, ये वेदर ऑफ लिखा हुआ आता रहेगा और ये नहीं लिखा हुआ आएगा आगे इसमें। देखो अभी
ये तो अभी लिख दिया ना इसने वेदर ऑफ कराची, अभी मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो वो गायब हो जाएगा। अरे वो यूज इफेक्ट चल रहा है ना असल में, तो वो फॉरन ले आ रहा है डेटा। यूज इफेक्ट को ही मुझे रोकना पड़ेगा ना ये दिखाने के लिए। अब यूज इफेक्ट को भी मैं जरा रोक देता हूँ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि यूज इफेक्ट क्या होता है, फॉरन चलता है तो वो डेटा लेकर आ जा रहा है फॉरन, तो नलिश ऑपरेटर ना समझ नहीं आ रहा। अब देखो ये नलिश ऑपरेटर से ना ये हुआ है, वेदर ऑफ लिखा हुआ है लेकिन उसके आगे लिखा हुआ नहीं आ रहा, क्योंकि वो शुरू में एम्प्टी ऑब्जेक्ट है। तो मुझे शुरू में ऐसी सेटिंग करनी है कि वो शुरू में नजर ही नहीं आए, सिरे से नजर ही नहीं आए। तो उसका तरीका क्या है, उसका तरीका है टर्नरी ऑपरेटर, राइट। उसका ये टर्नरी ऑपरेटर जैसे लगाया था ना हमने, यहाँ पे लगाकर देख चुके हैं आप सब लोग, तो मैं बोलूंगा कि यार इतना कोड ना आप क्या करो, आप रेंडर ही नहीं करो। मैं आया इधर और मैंने आके बोला भाई ये गलत होगा, मेरे पास जावास्क्रिप्ट का कोड सही है, जावास्क्रिप्ट के कोड में मैंने बोला टर्नरी ऑपरेटर। अच्छा टर्नरी ऑपरेटर में क्या लगाया मैंने, मैंने कहा भाई वेदर डॉट नेम अगर हो, ठीक है, वेदर डॉट नेम अगर हो मतलब ट्रूथ ही वैल्यू हो इसके अंदर, अगर वेदर डॉट नेम अनडिफाइंड मिलेगा तो ये फॉल्स ही वैल्यू हो जाएगी, तो ये ऑटोमेटिकली फॉल्स हो जाएगा। तो मैंने कहा अगर ये हो तो आपने क्या करना है, क्वेश्चन मार्क और उसके बाद ये वाली पूरी बात करनी है, ठीक है, और इसके आगे आगे मैंने लगाया कॉलन नल। समझ आया क्या किया मैंने। अच्छा ये मुझे एरर क्यों दे रहा है, ये कह रहा है भाई ये वो जो आप रिटर्न करवा रहे हो ना वो एक डिव होना चाहिए, तो मैं काम करता हूँ इसको डिव में पैक कर देता हूँ। सही, वो कह रहा है वो पेरेंट सेम होना चाहिए, एक पेरेंट चाहिए होता है उसको असल में ना, सही है। तो मैंने देखो यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर लगा के क्या बोला, मैंने कहा वेदर डॉट नेम अगर हो, अगर इसमें कोई ट्रूथी वैल्यू मौजूद हो तो क्या करो आप, तो ये वाली बात रिटर्न करो, मतलब जाहिर है ये पूरा टर्नरी ऑपरेटर हट जाएगा फिर, और क्या चीज आ जाएगी यहाँ पे, जो भी इसकी रिटर्न वैल्यू है ये वाली बात है वो आ जाएगी, अगर इसमें वेदर डॉट नेम के अंदर कुछ मौजूद है तो। अगर वेदर डॉट नेम अगर इसको अनडिफाइंड या कोई फॉल्सी मिल जाता है तो सेकंड वाली चीज रिटर्न होगी, यानी ये पूरा टर्नरी ऑपरेटर हट जाएगा और ये नल आ जाएगा, तो मतलब डिस्प्ले कुछ भी नहीं होगा। ये हम टर्नरी ऑपरेटर जावास्क्रिप्ट के टाइम पे पढ़ा था हमने, तो उसमें हमने क्या देखा था कि टर्नरी ऑपरेटर पूरा का पूरा खुद गायब हो जाता है और उसकी जगह पे उसके रिटर्न वैल्यू। इफ एल्स में ऐसा नहीं होता, इफ एल्स में मुख्तलिफ तरीके से होता है, मुख्तलिफ तरीका ये होता है कि इफ एल्स में बॉडी होती है, अगर इफ ट्रू होता है तो वो बॉडी रन होती है, रिटर्न कुछ भी नहीं होता उसमें, यहाँ रिटर्न हो रहा होता है, ठीक है। तो जो भी चीज इसमें से ट्रू हुई ना ये पूरा टर्नरी ऑपरेटर खुद हट जाएगा और उसकी जगह वो चीज आ जाएगी, समझ रहे। तो अब क्या हुआ कि अगर वेदर डॉट नेम में कुछ नहीं होगा तो ये सिरे से डिस्प्ले ही नहीं होगा, ठीक है। तो मैंने ये भी करना है और मैंने नलिश ऑपरेटर इधर भी लगाना है ताकि मेरा कोड ब्रेक ना हो, ठीक है। समटाइम हो सकता है नेम आ जाए लेकिन ये टेम्प ना आए इसके अंदर, कोई और अंदर दूसरी बात मैं लिखूँ वो हो सकता है कभी ना आए। एपीआई का डेटा जितना भी होगा उसको जब मैं डिस्प्ले करवाऊंगा तो मैं क्या करूँगा। अरे यार ये फिर यूज इफेक्ट खोलिए क्या मेरा, नहीं ये यूज इफेक्ट को मैं रोक रहा हूँ, ठीक है। अब मैं रिफ्रेश करूंगा तो देखो वो सिरे से आ ही नहीं रहा। अब मैं लिखूंगा यहाँ पे कराची और एंटर करूंगा जब आएगा, सही है नहीं सही है, मतलब यूज इफेक्ट तो पड़ा ही, इसीलिए हमने खोल दिया मैंने वापस, जस्ट टू डेमोन्स्ट्रेट कि वो काम कैसे कर रहा है, वाकई काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा, जस्ट टू डेमोन्स्ट्रेट, ठीक है। अच्छा तो ये वेदर ऐप आपकी क्या हो गई, तैयार हो गई, रिएक्ट वाली, ठीक है, बन जाएगी अभी अभी जाने से पहले पहले, आधा घंटा है हमारे पास, ठीक है, ये बना लो जल्दी से। अच्छा अब इसके बाद अगला काम हमने क्या करना है, अगला काम हमने ये करना है, ये वेदर ऐप के बाद हमने बनानी है चैट ऐप, इसी तरीके से इनपुट लेंगे, इनपुट लेके हम सर्वर पर भेजेंगे और डेटाबेस में सेव करवा देंगे, वहाँ से एक रिस्पॉन्स भेजेंगे उसको यहाँ पे डिस्प्ले करवा देंगे, यहाँ पे चैट की स्क्रीन एक बनी हुई आ जाएगी आपके सामने, आप लिखेंगे मैसेज जा रहा होगा उसका कुछ रिस्पॉन्स आ रहा होगा, फिक्स रिस्पॉन्स आ रहा होगा कंप्यूटर की तरफ से, ठीक है। और फिर उस फिक्स रिस्पॉन्स की जगह हम डायलॉग फ्लो को अटैच करेंगे, चैट बॉट को अटैच करेंगे और फिर हमें कंप्यूटर आंसर दे रहा होगा हमारी बातों में, ठीक है।
हमारा अभी हम वन टू वन चैट नहीं बना रहे, हम कंप्यूटर से बात करेंगे, ये वो वाला नहीं करेंगे कि तुम इससे बात करो ये तुमसे बात करें, वो वाला नहीं करेंगे, वो भी होता है, ऑफ कोर्स होता है, वो एक ही डेटाबेस है, पीछे तुम लिखोगे डेटाबेस में सेव होगा, इसके पास रियल टाइम में शो हो जाएगा, ये लिखेगा डेटाबेस में सेव होगा, तुम्हारे पास रियल टाइम में शो हो जाएगा, सही है। और रियल टाइम में कैसे शो होगा, जैसे दो तीन तरीके हैं इसके, सॉकेट आईओ भी है, वो अगर आप हर पाँच मिनट पर रिफ्रेश हो रहा है वो भी एक तरीका है, आप लोग कर चुके हैं ये पहले, सॉकेट आईओ की वीडियो पता नहीं मैंने यार, देख लेना, नहीं मैंने तो नहीं बोला, अपलोड करनी है मैंने, अभी की नहीं है, सही है। तो जल्दी से भाई ये वेदर ऐप ना आप सब लोग बना लें, ये हमारी रिएक्ट बस समझ जाए आप, यहीं तक इतना ही पढ़ेंगे हम। अच्छा ये हमने जो रिएक्ट पढ़ी है ना, ये हमने रिएक्ट का ओवरव्यू लिया, रिएक्ट के फंडामेंटल्स पढ़े हैं, और मैं आपको ये भी एक बात बता दूँ कि आपके सराउंडिंग में जो बहुत सारे सो कॉल्ड वेब डेवलपमेंट का कोर्स करवा रहे हैं ना सैलानी के अलावा, वो वेब डेवलपमेंट में इतनी रिएक्ट पढ़ाते हैं, सही, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ाते, इससे ज़्यादा उनको खुद भी नहीं आती मेरे हिसाब से, इतनी वो वेब डेवलपमेंट में पढ़ाते हैं, तो आप अगर उनके वाले हिसाब से आप वेब डेवलपर भी बन गए पूरे, ठीक है, जल्दी से ही बना लो।